मुमरा बाजार में थाने महानगर पालिका की कार्यवाही। मैं अफराइन मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जिला थाने के मुमरा कौसा में मुमरा रेलवे स्टेशन के समीप मुमरा बाजार में थाने महानगर पालिका मुमरा प्रभाग समिति अतिक्रमण विभाग के अधिकारी जितेंद्र साबले और अमित गडकरी के नेतृत्व में मुमरा बाजार में कार्रवाई की गई। कैसे चली ये कार्यवाही, कैसे हॉकर्सों ने अपने माल को बचाया, हम आपको दर्शाने जा रहे हैं। हम मुमरा मार्केट में खड़े हुए हैं। मुमरा मार्केट में आज एक हफ्ता पहले भी कार्रवाई हुई और आज वापस से भरी मार्केट में लेडीज़ लोग भरे हुए थे, बाज़ार पूरा ऑन था और इसके अंदर जो भागम भाग हुई और लोगों ने अपनी रेगड़ी हटाने के लिए इस कदर भागम भाग मचाया, कुछ बच्चों को भी मार आई और कुछ लेडीज़ों को भी। और ये हॉकर जो यहाँ आज यहाँ खड़े हैं हमारे साथ में, और ये क्या कहना चाहते हैं, ये इनकी जबानी आप खुद सुनिए। हम 40 साल से, आपका नाम क्या? मेरा नाम इरफान मेमन है, मेरा दुपट्टे धंधा है। मैं 40 साल से मुमरा मार्केट धंधा करता हूँ, पर आज तक हमारे को कोई सुविधा मार्केट की हुई नहीं है और मार्केट हमारी कोई रिगल की तरह हमको मिला नहीं है। और हम इतने साल से धंधा लगा था, जब भी आती म्यूनसिपाली हमको उठा के वो करती, आपको जो भी करना है पर हमको पट्टा मार के देवे या रिगल करके देवे या किधर रिगल जगह देवे, हमारी मांग ही है। तो ये खाली हॉकरों के साथ मुमरा में ये व्यवहार चालू है? टीएमसी कर्मचारी जो यहाँ पर आते हैं, आप लोगों से मतलब कुछ अपने घर में पकाने वकाने के सामान भी लेके जाते? हमारे पास कुछ ऐसी फुटेज है, हमारे पास, मेरे को तो मालूम नहीं है इसके बारे में, पर कोई आता तो नहीं है, पर जिससे लेते होंगे उनको मालूम है। अमृत नगर के हॉकर लोगों से हमने देखा है सुबह इन लोगों को हफ्ता वसूली करने का एक नया इन लोगों ने धंधा बनाया है, जो अपने घर के लिए बाकायदा सामान बटोरे जाते हैं उधर। और ये हॉकर जो है ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है इनका, इन लोगों को यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, परमानेंट जॉब नहीं है टीएमसी अधिकारियों का। मगर ये अधिकारी वहाँ खड़े रह के हमने बराबर अपने कैमरे से स्टीम ऑपरेशन चलाया और हमने वो मुहिम को कामयाब किया है। और आपको हम ये हमारी वीडियो दिखाएंगे भी और बताएंगे भी किस तरीके से हॉकरों पे मुमरा में जुलूम चालू है। आज तक के इन्हें मार्केट नहीं दिया जा रहा है और मुमरा मार्केट में भी ऐसे ही प्रयास जो चालू हुआ है, ये जैसे समझ रहे हैं अमृत नगर की पूरी मार्केट हटा दी गई है, उन लोगों को अभी टेम्पररी वहाँ बिठाया गया है, टेम्पररी बिठाया गया है, उनके लिए अभी तक के कोई रास्ता बना नहीं है। और जो वहाँ चोरी छुपे लगाते हैं तो उनसे इनके अधिकारी अपने घर का राशन फ्री में लेके जाते हैं और सबसे लेन देन भी चालू है। इसका भी हमारे पास पूरा फुटेज है, हमने बाकायदा इसका कवरेज किया है। और मुमरा मार्केट में आज उस तरीके से तंग करना वापस चालू कर दिए हैं ये हॉकर यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। हमने यहाँ देखा है टमाटर इस तरीके से लोगों ने उठाया है, अपने टमाटरों को रोड पे फेंक के अपनी रेगड़ी को ले लेके भाग रहे, मगर भागने में कुछ लेडीज़ों को भी हमने देखा है मार आई, कुछ बच्चों को भी मार आई। और इसके ऊपर अभी तक के हमारे विधायक जितेंद्र अवार्ड का कोई अभी तक के समस्या का हल निकालते हुए उन्होंने दिखा नहीं है, ना यहाँ के स्थानीय नगर सेवक को भी पड़ी है, जो इनके एरिया में इतना बड़ा मार्केट, ये आज 40 साल के ऊपर हो गया ये मार्केट को, और इन लोगों को ना लाइन पट्टी मार के दी जा रही है, ना इन लोगों को इनकी हद बताई जाती है और आके खाली परेशान किया जाता है, इन लोगों का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सी भी यहाँ के एम एल ए जितेंद्र अवार से कहना चाहता हूँ, जब 2017 में इन्होंने नगर सेवक के चुनाव में यह मार्केट में प्रचार किया था कि इन्होंने कहा था कि आप ये तमाम मुमरा मार्केटों से कहा था कि आप टेंशन मत लो कि आपका मुमरा मार्केट यहाँ से जाएगा नहीं, आप हमारे उम्मीदवार को यहाँ से चुन के दो, आपकी मार्केट यहीं रहेगी। लेकिन इसके बाद भी 4 से 5 बार कार्रवाई हो चुकी है और हमारे एमएलए जो है जितेंद्र अवार साहब, अभी इस समय इनका एमएलए का चुनाव था तो उन्होंने भी यहाँ पे प्रचार करके गया, कहा गया था कि हमारा चुनाव जो है इलेक्शन अगर मार्केट में नहीं होएगा तो ऐसा लगता है मार्केट में कर चुनाव प्रचार करने आते हैं, लेकिन यहाँ के फेरी वालों से ये देखने नहीं आते कि किस तकलीफ में हम चल रहे इधर।
मगर आप लोग से भी जो शाम के टाइम डंपिंग होता है, शाम के टाइम इधर डंपिंग होता है, मैं आपकी सुनो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ कचरा बीच में डाला जाता है, हॉकरों की भी गलती है, मगर यहाँ पर टीएमसी अधिकारी को 3 टाइम झाड़ू लगाने का दिया गया है, मगर यहाँ अधिकारी कैसे आते हैं, खाली अधिकारी कैसे आते हैं वो भी आप देखिए। जैसे आज प्राइवेट लैंड कर दिया है, उनको 3 टाइम मार्केट के अंदर सफाई का ग्राउंड दिया गया है, मगर वो आप खुद सुनो, आप खुद भी देखिए जिम्मेदारी। हाँ, रास्ता जो है चलने के लिए, कचरा फेंकने के भाई लिए। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम शफीक है। हाँ, ये शफीक भाई जो हमारे साथ में ये भी खड़े हैं, और इनका हॉकरों के ऊपर भी कंप्लेन है, हॉकर की भी जो यहाँ गलतियाँ देखी जा रही है, हॉकर यहाँ बीच में कचरा डंप कर देते हैं, ये अपने कचरे को साइड में नहीं रखते हैं। हाँ, ये शाम को बंद करने के बाद बीच में रखते हैं, गाड़ी आती है और कचरा उठा के लेके जाती है, वहाँ तक तो बात सही है, मगर ये भाई का कहना है दिन में जो कचरा बीच में फेंका जाता है तो लोगों को भी उससे तकलीफ है। अभी भी देख लो आप, रास्ते में कचरा फेंका हुआ है, आप देख लो रास्ते में जो है कचरा फेंक देते हैं, बरसात में जो है उसी पे पानी पड़ता है, पूरा स्कूल है, बच्चे सुबह सुबह जो है स्कूल जाते हैं, पूरे स्कूल में बच्चे जाते नहीं। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए जो आपकी हद है, और ये चीज़ हमने भी देखा है, आपकी एक रेगड़ी के आगे दूसरी रेगड़ी भी दिखाई दी है, ऐसा नहीं, पब्लिक भी देखती आ रही है इसको, तो पब्लिक भी आवाज उठाती है, साथ है आपकी रोजी, तो आप मतलब ये मार्केट यहाँ चाहते हैं रहे, हम उसके हक में है, लेकिन आप भी जो है, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, आप उससे मजाक मत करो। ये देखिए, आदमी कहीं भी घर पे रहता है, एतराफ जो है आजू बाजू उसको साफ रखता है, आप अपनी दुकान के सामने कचरा फेंक देते हो, आप खुद सोचो, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहते, किस माहौल में रह रहे हो सर? जैसे हम लोग रात में जो सपड़ा कचरा है, यानी साफ तो करके हम लोग, अगर ये कचरा रात की बात नहीं कर रहे, ये भाई दिन में जो कचरा बीच में फेंका जाता है, दिन में जो कचरा है, दिन में निकलता नहीं है जो कचरा, हम लोग पत्ते रहते फुलाव के, जैसे पत्ते हो गए ऑलरेडी, वो जो भट्टे अपना ये तबेले वाले वो लेके जाते, और रह गए जो कचरे की, जो दिन की बात कर रहे, तो हम लोग झाड़ू मार के कचरा बाहर फेंकते, और जो ऑलरेडी जो फेंकते उनके तो बोल नहीं सकता कि मैं फेंकते क्यों, वो आप लोगों का भी तो फर्ज है, तो दोपहर के टाइम में, दोपहर के टाइम में जो मैं झाड़ू मार के कचरा हम लोग पीछे फेंकते हैं, चाहे तो अब जितने भी दुकानदार वाले उनसे पूछ सकते हो कि दोपहर में झाड़ू मार के कचरा बाहर फेंकते हैं हम लोग। और रह गई बात रात की, जावेद भाई कुछ बोलना चाहते हैं हमारे, दिन में जो कचरा जो रहता है ना, वो कभी कभार जब गाड़ियाँ नहीं आती सफाई करने वाली, एक तो उसकी वजह से, सुन लो पूरी बात, ज़्यादातर इसमें कचरे मार्केट वालों के ही नहीं रहते, इधर जो रहवासी होते हैं ना, मैंने खुद देखा, या तक ईंट वगैरह का भी कचरा होता है ना, लोग भी इधर आके देखते हैं कि इधर पर चल रहा है, घर वाले के भी कचरे आ रहे हैं, सिर्फ रेसिडेंट्स वाले के भी आ रहे हैं, प्लस धंधे वाले के भी आ रहे हैं, मतलब ये डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। हाँ हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, घर वाले के भी कचरे आ देखते हैं रात के। आपकी मार्केट वाले कंप्लेन क्यों नहीं करते, क्रिस्टल कंपनी को आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं करी? गाड़ी वापिस आई लगता नहीं, आप लोगों ने क्रिस्टल कंपनी में कंप्लेन क्यों नहीं किया, जब इतना बड़ा मार्केट है और हम चला रहे और आप सफाई की पावती कटाते हैं? नहीं नहीं, हाँ? से प्राइवेट वाले आए हैं ना, तब से सफाई के मामले में मैं तो ये बोलूंगा, कभी आप सुबह के टाइम पे आके देखो, एकदम एयरपोर्ट जैसा रोड दिखता है, एक कचरा नहीं दिखता है। अरे सुबह दिखता है जावेद भाई, ये हमने देखा है, अभी ये दिन में ये कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ जरा कैमरा दिखाइए, वहाँ कैमरा दिखाइए, हाँ ये कचरा पड़ा हुआ है, ये दिन में पड़ा हुआ है, मगर दिन में, एक मिनट, दिन में जावेद भाई, एक मिनट, अच्छा जावेद भाई मेरी बात सुनिए आप लोग, जैसे अभी हमने दिन में देखा है क्रिस्टल कंपनी वाले आते सफाई के लिए आते, मगर वो सफाई नहीं करते, उनने एक अपनी एक अलग मुहिम बना ली है,
खाली झाड़ू लेके एक आदमी खड़ा रहता है कचरे के आगे, फोटो खींचते और चले जाते। उनके आधे आगे के अधिकारी को बताने के लिए वो अपना फोटो खींच के चले जाते, मगर जो वो गलती कर रहे उससे आप लोगों पे भी उंगली उठ रही है। तो आप लोगों का भी फर्ज है क्रिस्टल कंपनी वाले के पीछे लग के, भाई दिन में जो 3 टाइम 4 टाइम झाड़ू का दिया गया है तो इतनी बड़ी मार्केट में आपको कंटिन्यू वो काम करना है। लास्ट सवाल, जहाँ तक मैंने देखा उन लोग की जो सफाई की, इसमें मैंने नहीं देखा कि कुछ लापरवाही हो रही है, तो फिर ये उन लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस देखे उन लोग ही ध्यान देंगे, आप लोग नहीं देंगे? देंगे ना, काहे को नहीं देंगे हम लोग। ये मतलब अभी ये रहवासी यहाँ के जब बोलेंगे जब ही ध्यान देंगे, उसके पहले क्यों नहीं देंगे? नहीं तो अभी एक काम करते, इनकी बातों पे थोड़ा ध्यान रखते हुए, नहीं इनका इनके बातों के ऊपर अभी हम लोग भी ध्यान देंगे, प्लस रेसिडेंस में भी जो मतलब हो रहा है उस पर भी ध्यान देंगे, और धंधे वालों को भी खासकर बोला जाएगा कि अपना कचरा अपने गोनी के अंदर जमा करके रखो, जब वो आएगा तो अपनी गोनी। आप लोग अच्छा। लो मिल के अगर ये फैसला कर लोगे ना तो कोई एक जिनका रास्ते पे नहीं फेंक सकता भाई, बराबर बात। खाली खाली आप लोगों को फैसला करना है, आप सब लोग मिल के अगर फैसला कर लोगे ना, यूनिटी दिखाओगे तो मुमरा में क्या है, आप जो लोग मुमरा के नाम से जो नाक मुँह सिकोड़ते हैं ना, आप लोग फख्र करोगे। ये मुमरा जो है आप लोग ही अच्छा बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं। तो अभी ये जो अभी ये भाई का कहना था कि हमने जो पहलू पे बात करी, तो अभी आप कैसा और कैसा इस मार्केट को रखेंगे, और आगे ये मार्केट में अभी जो आपको TMC अधिकारी आप परेशान कर रहे हैं, उसके लिए आप अभी आगे कौन सा स्टेप लेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? हमारे पास तो देखो कौन यूनियन लीडर है, ना कोई यूनियन वाला है और ना कोई हमारे इधर ऐसी एक एकता है, यहाँ पे क्या आधे इस तरह है आधे उस तरह है, तो एक साथ मिल के हमको उनका मुकाबला करना पड़ेगा। तो भाई देखो सुने क्या, पहली बात तो क्या मालूम है, हम लोग सबको पहला बोलेंगे भाई अंदर से लगाओ, अंदर से लगाते हैं तो सही है, नहीं तो क्या मालूम है कि आप मेरे को बीच में भी अगर ये सुनते सुनते भी मुझे 10 साल हो गया आप अंदर से लगा। नहीं नहीं उस बार नेक्स्ट टाइम भी आई थी तो सुने क्या साबले से जो अधिकारी है उन्होंने बोले भाई अंदर से लगाओ, तो यहाँ कोई सुनने तैयार नहीं। एक हफ्ता पहले भी मैंने देखा था सावले साहब के आदमी आए थे, उन लोगों ने आप लोग को अंदर कराया था, मगर उनके जाने के बाद आप फिर बाहर आ गए। तो कोई सुनता नहीं है भाई, वही तो प्रॉब्लम है ना। अभी मैं अकेला क्या करूँगा, मैं अकेला कितने जन को बोलूँगा, बोलता हूँ तो मैं बुरा बनता हूँ। आप बोलते ना बीच की गाड़ी खाली 4 से 5 और बीच की गाड़ी लगती थी पहला, हमने अक्सर देखा है ये बीच में कभी पप्पन वाला घूमता है और कभी सिंह वाला घूमता है, मतलब आपके ये बीच में रास्ता रहता ही नहीं है, तो ये कार्रवाई हमेशा चलती रहेगी। तो ये जो पांच धंधे वाले वो बीच में खाली घूमेंगे, बाकी दूसरे जो नए आएंगे उसको हम लोग वो देंगे। वो आपका फर्ज है, जो मार्केट में बाहरी आदमी आता है जो बीच में चलता है या आगे आपकी दुकान के या आपके आगे लगाता है, उसको हटाना आपका फर्ज है। जो पुराने उसको हम लोग रखेंगे, जो नए आएंगे उसको हम लोग सब धंधे वाले फेरी वाले के उसको बोलेंगे, मैं क्या मैं अकेला बोल सकता हूँ, उसको 4-5 फेरी वाले साथ में बोल के बोलेंगे तो सही है, नहीं तो फिर देखेंगे फिर आगे क्या होता है। आपने हमारी पूरी बात सुनी और आज हमने यहाँ जो मुहिम चलाई आपने ये देखा है, ये मार्केट के लोग ये खुद ही एक पटरी पे नहीं है, यहाँ पर लोगों को भी समस्या है, मगर लोग परेशान इसलिए है, ये मार्केट हटाना लोग नहीं चाहते, लोग मार्केट हटाना नहीं चाहते, मगर ये मार्केट वाले खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ये मार्केट हट जाएगा, और ये उम्मीद भी करते हैं इन्हें कहीं और मार्केट शिफ्टिंग में मिले। तो हमारे विधायक साहब आपको मार्केट कब शिफ्टिंग में देंगे, जब आप एक रूल्स पे चलेंगे, आप एक रूल्स पे चल नहीं रहे हो, लोगों की समस्या है, बीच में कचरा दिन में रहता है, चलो छिलके भी पड़े रहते, भाजी के टुकड़े भी पड़े रहते, कोई स्लिप भी हो सकता है, ये आपको भी सोचना है, मार्केट वालों को भी समझना है और स्थानीय लोगों की भी परेशानियों को दूर करना है। तो आप इसको दूर करेंगे इसीलिए ये मार्केट हमेशा बसा रहेगा और आप जद्दोजहद करते रहें, और यहाँ के लोग चाहते हैं ये मार्केट यही रहे, तो इसके ऊपर TMC कर्मचारियों को भी समझना है, ये मार्केट सही तरीके से बसाया जाए और जितने लोग इधर सही से बैठे हुए हैं और उन्हें कुछ नंबर दिया जाए और दूसरे जो दिखते हैं उनके ऊपर खाली कार्रवाई हो, दूसरे लोगों का नुकसान ना हो। धन्यवाद।
किस प्रकार से सनातन जमाने से चली आ रही इस मार्केट पर मुमरा प्रभाग समिति ने कैसे कार्रवाई की, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। ऐसी ही खबरों के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।